को लोकसभा चुनाव के दंगल से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच भी नई बनी सीट शेयरिंग पर बात। सीपीएम ने बंगाल की 16 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। ममता बनर्जी भी बंगाल में अकेले लड़ रही हैं चुनाव। झारखंड में 8 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। प्रदेश में 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है आरजेडी। 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। चतरा सीट पर फंसा हुआ है गठबंधन में पेंच। पशुपति पारस गुट के 2 सांसदों ने चिराग पासवान से की मुलाकात। वैशाली की सांसद वीणा देवी ने चिराग से मीटिंग की। खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर भी चिराग पासवान से मिले। टिकट को लेकर दोनों सांसदों से चर्चा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने दोपहर 3 बजे पार्टी की बैठक बुलाई है। पार्टी के संसदीय बोर्ड और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आगे की चुनावी रणनीति पर की जाएगी चर्चा। पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी में शामिल हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत। बीजेपी पटियाला से ही परनीत कौर को बना सकती है उम्मीदवार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी। माना जा रहा है कि वो नाराज हैं। इसी को लेकर मांझी से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सीट शेयरिंग पर हुई बातचीत। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। राज्य के 5 मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में उतारा। संगरूर से गुरमीत सिंह मीत को टिकट। अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल को बनाया गया उम्मीदवार। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने राजनीति में एंट्री का ऐलान किया। वर्मा ने आंध्र प्रदेश की पीठापुरम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यहां जनसेना पार्टी के प्रमुख और दक्षिण फिल्मों के अभिनेता पवन कल्याण चुनाव लड़ रहे हैं। आज गुजरात में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लॉन्च करेंगे आम आदमी पार्टी का कैंपेन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी जाएंगे गुजरात। प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित किए गए लोकसभा सांसद दानिश अली ने दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दानिश कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव।